क्राइम ब्रांच भोपाल द्वारा शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें 4 वाहन चोर और 1 खरीदार को गिरफ्तार कर चोरी के कुल 17 दोपहिया वाहन जब्त किए गए, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए है। चोर भीड़भाड़ वाले इलाके और पार्किंग से गाड़ियां चुराते थे। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मुखबिर की सूचना पर टीम को रवाना कर उसे गिरफ्तार किया गया। भोपाल से मुकेश सिंह की रिपोर्ट। इसमें क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा जो है वाहन चोरी पर लगातार काम किया जा रहा था। उसी तारतम्य में जो है सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ वाहन चोर जो है आसपास के जिलों से लगातार भोपाल आ रहे हैं और गाड़ियों जो 2 पहिया 3 पहिया 4 पहिया वाहनों की चोरी भी हो रही है और उसमें आसपास के जिलों में जो बदमाश हैं वो भोपाल से गाड़ियाँ चोरी करके ले जा रहे हैं। उसी सूचना पर जो है क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया था। उसमें जो मुख्य इसमें जो मेन 2 लोग हैं उसमें शेरू उर्फ वसीम, ये संजय नगर रायसेन का है, और दूसरा रामकृष्ण अहिरवान। ये लोग आते थे और ये गाड़ियाँ चुरा कर फिर जो गांव देहात में दूसरे लोगों को बेचते थे, ऐसी एक सूचना थी। इन्हीं पे क्राइम ब्रांच के द्वारा जो है पूरी तस्दीक कराई गई, इन पर जो है वर्कआउट काम किया गया। काम करने के बाद जब ये भोपाल आए थे उसी टाइम क्राइम ब्रांच ने इनको धरा उठा। जब इनसे और पूछताछ की गई तो इनके द्वारा जो है राधेश्याम रघुवंशी पिता रघुनाथ जो है इसको गाड़ियाँ बेचना जो है स्वीकार किया था। उस इनकी निशानदेही पर इससे भी जो है बातचीत की गई, पूछताछ की गई। इस प्रकार से कुल जो है 5 आरोपियों से क्राइम ब्रांच के द्वारा 17 2 पहिया वाहन बरामद किए गए, कीमती 8 लाख रुपए हैं। ये पूरा मामले का खुलासा जो है क्राइम ब्रांच के द्वारा किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।